आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ललितपुर में कचनौदा बांध पेयजल योजना का निरीक्षण किया। इसके बाद उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उतरा, जहां पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनकी अगवानी की। सीएम पुलिस लाइन सभागार में बैठक के बाद किसी निर्माण कार्य का निरीक्षण कर चौक बाग में मुरारी बापू की श्री राम कथा को भी सुनने जाएंगे। इससे पहले शनिवार को झांसी के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किले में आयोजित रानी लक्ष्मीबाई की गौरव गाथा पर आधारित लाइट एंड साउंड शो देखा, जिससे वो खास प्रभावित भी नजर आए। इसके बाद योगी ने किले की विजिटर बुक में लिखा कि भारत की आजादी का प्रथम स्वतंत्रता समर अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। तो आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बुंदेलखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान उन्होंने ललितपुर में कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा की है। उत्तर प्रदेश में सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की बनी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों के तेवर आज भी कड़े दिख रहे हैं। शासन का निर्देश है कि हर महीने पुलिस कमिश्नर शहर के सभी जनप्रतिनिधियों से मिलकर शहर की समस्याओं के बारे में जानकारी लेंगे। इसी के चलते सपा विधायक पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंच गए। इस पर जब उन्हें पीआरओ ने रोका तो सपा विधायक भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने जनप्रतिनिधि होने की गरिमा का उस दौरान पीआरओ को पाठ पढ़ा दिया और पुलिस कमिश्नर से भी इसकी शिकायत कर दी। तो आप तस्वीरों में इस दौरान देख सकते हैं किस तरह सपा विधायक और पुलिस कमिश्नर के पीआरओ में एक झड़प भी होती हुई नजर आ रही है। अलीगढ़ में खाकी को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां कुतवाली क्षेत्र के एक गांव में यूपी पुलिस के एक सिपाही ने अपने रिश्तेदार की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया। आरोपी बुलंदशहर जिले में तैनात था। पुलिस ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी सिपाही को पकड़ लिया है, जिसे न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर के पुलिस अधीक्षक ने आरोपी सिपाही को अब निलंबित भी कर दिया है। कासगंज से थाना प्रौली के गांव में आए हुए परिवार की 16 वर्षीय लड़की द्वारा अपने पिता के फूफा पर आरोप लगाया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल FIR पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। अभियुक्त को हिरासत में। अलीगढ़ में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पति ने अपनी ही पत्नी को बहला फुसलाकर जंगल में ले जाकर दोस्तों से उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दे दिया। वही सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल पति पत्नी के बीच पिछले 7 साल से खर्चा नहीं देने को लेकर घरेलू विवाद न्यायालय में चल रहा था। बता दें कि थाना बन्ना देवी क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। मुझे मैंने कोर्ट से मुकदमा डाल दिया है। किसको डाला था? मैंने खर्चे का डाला, मुझे खर्चा दिया गया है। मेरी 2 बच्चियां हैं, मैंने इसलिए डाला है। अच्छा। और मुझे बुलाया इन्होंने प्यार से है कि तुम आ जाओ यहाँ पर, मैं तुम्हें खर्चे वर्चे के ना फैसले की बात करेंगे। मैंने कि फैसले की बात मैं नहीं करूँगी, कि आ जाओ मैं पैसे वैसे तुम्हें दूंगा बच्चियों के। मैंने तुमने ईद पे 7 साल से नहीं दिया तो तुम आप क्या दे दोगे मुझे? तो मुझे प्यार से बुलाया है। किसने बुलाया था? मेरे शौहर ने, अब्दुल सत्तान ने। कहाँ पे रहते हैं? रिहाज कॉलोनी। बदायूं के फैजगंज बेटा पुलिस ने संदिग्ध बदमाशों की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को देखकर बाइक सवार बदमाश इस्लाम नगर रोड पर भागने की कोशिश करने लगे, जिसको देखते ही प्रभारी निरीक्षक इस्लाम नगर ने पुलिस फोर्स के साथ बदमाशों की घेराबंदी की और घेराबंदी देखकर बौखलाए बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, साथ ही एक सिपाही भी घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जनपद बदायूं में थाना फायजगंज भेटा के अंतर्गत और आज पुलिस को सूचना मिली कि दो संदिग्ध बदमाश हैं, वो उनके मूवमेंट की सूचना मिली थी, इस पर लगातार चेकिंग की जा रही थी। 4:30 बजे के आसपास दो मोटरसाइकिल से दो बदमाश दिखाई दिए, जिनका पीछा किया तो ये इस्लाम नगर रोड पर भागे। इसकी सूचना इंस्पेक्टर इस्लाम नगर को संबंधित पुलिस फोर्स ने दी तो चारों तरफ से घेराबंदी हुई। दूसरी तरफ से इस्लाम नगर इंस्पेक्टर आए और घेराबंदी पे चारों तरफ से घिरता देख करके बदमाशों ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग पे जवाबी फायरिंग पुलिस पार्टी द्वारा की गई, SOG टीम और फैजगंज भेटा और इस्लाम नगर इंस्पेक्टर की टीम के द्वारा, तो इसमें एक बदमाश को। खबर मुरादाबाद से है, जहां मूड़ा पांडे थाना क्षेत्र के साक्टू नगला गांव अहमदपुर रोड पर बनी मार्केट में अज्ञात चोरों ने दो दुकानों से ट्रैक्टर का कुछ सामान, जनरेटर का एक अल्टरनेटर और दुकानों में रखा लोहे का सामान चुराकर मौके से फरार हो गए। वही जब दुकान मालिक अपने दुकान पर पहुंचा तो ये सब देखकर उसके होश उड़ गए, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को मामले की सूचना दी और मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। इलिया जी, किसकी मार्केट है और क्या चोरी हुई है? सर, मार्केट तो हमारी है। अच्छा, हमारे ट्रैक्टर का बैटर गया है। अच्छा, किस तरीके की घटना को अंजाम दिया चोरों ने? सर, वो टूमल काट के पीछे से ट्रैक्टर का बैटर खोला है। अरे, ट्रैक्टर ही पार करते वो तो मैं वो ट्रैक्टर निकलने का बोना बना, इधर पिलर आ गया, इधर जीना आ गया, उसका वो ना बना तो फिर बैटर काटा और फिर बेल्डिंग मशीन दूसरा पक्का काट के उसमें से बेल्डिंग मशीन निकाली है। रायबरेली में गंगा नदी में नहाते समय युवक गंगा जी में डूब गया था, जिसके बाद गोताखोरों की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं 20 घंटे के बाद युवक का शव अब बरामद किया गया है। आपको बता दें कि युवक ननिहाल आया हुआ था और दो दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था, जहां गहराई में जाने से युवक डूब गया था। साथ ही आपको बता दें कि सरेनी कोतवाली क्षेत्र के गोगासो गंगा घाट का यह पूरा मामला सामने आया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां छुट्टी के समय गर्ल्स कॉलेज के सामने करतब दिखाना एक युवक को भारी पड़ गया, जहां सोशल मीडिया पर युवक का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई गाजियाबाद पुलिस ने अब उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि युवक ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। तो इस दौरान आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह गर्ल्स कॉलेज के बाहर स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ता हुआ नजर आ गया। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें कि सुशीला कॉलेज सियानी गेट में जब छुट्टी होती थी और जब लड़कियां वहां से बाहर निकलती तब एक लड़के का वीडियो दिखाई दे रहा था जो कि गुलाटी मारता था। सियानी गेट पुलिस ने तुरंत उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए उस लड़के की पहचान कर उसको पकड़ लिया है। लड़के का नाम दुष्यंत कुमार है, जो कि दिभई बुलंदशहर का रहने वाला है और वर्तमान में थाना बादलपुर गौतम बुद्ध नगर में निवास कर रहा है। उसकी उम्र 20 वर्ष है। इस लड़के के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। फिरोजाबाद की इमिलिया गांव में पुलिस की मारपीट से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस जमानत पर छूटे लोगों की तस्दीक करने गई थी, जहां पुलिस ने लोगों से मारपीट की। मृतका के परिजनों ने पचोखरा पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने महिला के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। इस दौरान बुजुर्ग महिला की हालत खराब हो गई, जिसके बाद पुलिस ने ही घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। वही पुलिस अधीक्षक का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जितेंद्र जी, कौन थी आपकी माँ? अच्छा, क्या बात हुई थी? हमने आलू का ठेका लिया था एक पंडित जी का, उन्होंने हमारा पैसा था। कितना? 70,000 रुपए। पैसा लेने के लिए कौन पंडित जी थे, किस गाँव के थे? जो हमारे गाँव के थे। क्या नाम है? लिया ठीक। फिर उन्होंने पैसा लेने गए तो गाली गलौज किया, हमें डराया धमकाया, पैसे नहीं देंगे। फिर उसके बाद
मारने लगे हमें। सर एक महिला की मौत का मामला है, क्या पूरा मामला है, क्या पुलिस किस तरह से काम कर रही है? देखिए कल रात को रात के 12 बजे लगभग जो है पुलिस टीम तस्दीक करने के लिए 308 में कुछ अभियुक्त छूटे थे जेल से। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, उसमें पुलिस तस्दीक करने जाती है कि क्रिमिनल जो छूटे हुए हैं उनको घर पहुँचे नहीं पहुँचे, या किसी प्रकार की जो आपराधिक बातें या कोई किसी प्रकार की मारपीट ना हो उसको देखते हुए जाती है। और उसमें उन्होंने फ़ोटो भी भेजी हुई है जो तस्दीक उन्होंने किया है। पर इसमें लगभग रात के 12:45 पे 112 पर सूचना आई कि जहाँ पर तस्दीक किया गया वहाँ पर एक। खबर संभल से है जहां कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सामुदायिक शौचालय, पंचायत घर, व्यक्तिगत शौचालय और एडीएफ कार्य को लेकर चर्चा की गई। साथ ही डीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी एडीओ पंचायत 1 महीने के अंदर व्यक्तिगत शौचालय का सत्यापन रिपोर्ट सौंपे, साथ ही मॉनसून आने से पहले सभी ग्राम पंचायत का ड्रेनेज प्लान भी बनाया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी फ्री टैबलेट व स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन मुफ्त में मुहैया कराए जाने की शुरुआत हुई। पात्र छात्र और छात्राओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में मुफ्त मोबाइल और टैबलेट वितरण जिलाधिकारी गाजीपुर मंगल प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में किया गया। साथ ही आपको बता दें कि डीएम की अध्यक्षता में 238 छात्र छात्राओं को टैबलेट तो 565 स्मार्टफोन बांटे गए। सर उपयोगी तो बहुत होते हैं, हम लोग के पास स्मार्टफोन है, अपना यूज कर लेते हैं जितनी जरूरत होती है, लेकिन ये मिल गया तो अच्छी बात है। इसका चयन कैसे हुआ? हम लोग जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसी कॉलेज के हिसाब से हम लोग का चयन हुआ था ना। क्या पढ़ती हैं? MA सेकंड ईयर है हम लोग का। अभी अपनी पढ़ाई में के साथ इस जो डिवाइस मिली है इसके लिए कुछ निर्देश भी मिले हैं आपको कि क्या करना है इसके साथ? हाँ, निर्देश यही मिला है, इसका यूज करना, मिस यूज नहीं करना, और इतने बड़े हो गए तो इतना तो पता है कि यूज ही करेंगे, मिस यूज तो करेंगे नहीं। प्रदेश और जनपद के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है, और इसके तहत आज यहाँ जनपद में सभी छात्र छात्राओं को जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हैं उनको टैबलेट्स और स्मार्टफोन का वितरण माननीय सदस्य विधान परिषद जी के कर कमलों से कराया गया है। आज प्रदेश जनपद की 7 विधानसभाओं में 59 विद्यालयों में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हमारे जनपद के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगणों से अनुरोध के पश्चात उनके द्वारा समय दिया गया और उनकी उपस्थिति में उनके कमरों से वितरण ये हो रहा है। आज करीब 4,500 उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।